बाबा मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण और राम जी का। हाँ जी, और रामायण को बोला गया है मतलब उपन्यास। ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसके कारण ऐसा कौन सा प्रसंग है रामायण में जिस कारण से उपन्यास का दर्जा मिला है और जिसको पढ़ने से या मतलब सुनने से मन बुद्धि नीचे आती। रामायण जो लिखी गई है वो शास्त्रों में अंतिम पुराण है। पहले वेद तैयार हुए, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, फिर आरण्यक निकले, फिर उनकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, फिर उपनिषदों की रचना हुई, बाद में ये पुराण बने। उन पुराणों में भी शिव महापुराण पुराना है। बाकी रामायण तो बाद में तैयार हुई। पहली बार रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है द्वापर में, और कलयुग में तुलसीदास ने लिखी है। परंतु रामायण में जो भी कथा कहानी लिखी है वो अपने ही जीवन कहानी लिख दी है। ऐसे तो सभी शास्त्रों में अपनी अपनी जीवन कहानी लिखी है। इससे साबित होता है कि राम वाली आत्मा ने ही अपनी जीवन कहानी लिखी रामायण में। और वो जीवन कहानी फेलियर जीवन कहानी की याद दिलाती है, कंट्रास्ट बन जाता है। एक तरफ राम का इतना गायन करते हैं कि राम राज्य था, सब सुखी थे, और दूसरी तरफ राम राज्य में राम की सीता ही चोरी हो गई। तो जब राम की सीता ही चोरी हो जाए तो फिर सुरक्षित कौन रहा? जैसे आज के जमाने में बड़े बड़े मंत्री गृह मंत्रियों की बेटी भी किडनैप कर ली जाती है, कोई किनारा नहीं लगता। और राम के राज्य में भी ऐसा हुआ तो कलयुग की दुनिया में और राम राज्य में क्या अंतर हुआ? रामायण में जो भी कथा कहानी का कहानियां आई है वो कथाएं बाबा के बताए हुए ज्ञान से उतनी नहीं मिलती हैं। एक प्रकार की
कथा मात्र साबित हो जाती है। हाँ, इतनी बात जरूर मिलती है कि महाभारत में 13 साल का वनवास दिखाया है, तो रामायण में भी 14 साल का वनवास दिखा दिया। बाकी 10 सिर का कोई रावण होता है ऐसी तो कोई बात नहीं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता है ऐसी कोई बात नहीं होती। उनके लाक्षणिक अर्थ हैं। सिर मत की निशानी है, कहते भी हैं तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना। हर एक बुद्धि में से अलग अलग प्रकार की मत निकलती है। अगर उन मतों को मुख्य मुख्य कैटेगरीज में विभाजित किया जाए तो दुनिया में आज 10 धर्म हैं जो 10 बड़े बड़े देशों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों में प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। ये मतभेद की निशानी हो गई। दुनिया में राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं हो सकता। या तो राम का राज्य होगा या तो रावण का राज्य होगा। रामायण में तो दुनिया में दोनों राज्य एक साथ दिखा दिए। शास्त्र में बात आई है देवासुर संग्राम की, परंतु देवताओं को तो स्वर्ग की दुनिया में दिखाया है और असुरों को पाताल की दुनिया में दिखाया है। तो दुनिया ही अलग कर दी। बाबा भी कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। तो तुकतान न मिलने के कारण कह दिया है कि रामायण तो एक प्रकार का उपन्यास है, कलयुग में तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण रामायण का प्रचलन नॉर्थ इंडिया में सबसे जास्ती हो गया। परंतु संगम युग की बातों से उतना टैली नहीं होता है। और बाबा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी ये 4 घराने हैं। वो 4 घराने 4 कल्पों में प्रत्यक्ष होते हैं, 4 युगों में। तो 4 ग्रह इनके लिए अलग अलग है कि यही एक ग्रह है? ग्रह यानी पृथ्वी। हमारे कहने का मतलब पृथ्वी पर ही 4 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी ही 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान को सत्युग कहा जाता है, सतो सामान्य को त्रेता कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है,
तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर ही मनुष्य सृष्टि है, यही देवलोक होता है जब सत्व प्रधानता होती है, और जब तमो प्रधानता बढ़ती है तो यही मनुष्य लोक राक्षस लोक बन जाता है। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, पाताल में कोई नरक नहीं है। पाताल माने नीचे की स्टेज मानवीय बुद्धि की, आकाश माने ऊंची स्टेज मानवीय बुद्धि की, और परंतु बाबा आकाश की गंगा, पाताल की गंगा और मित्रलोक की गंगा यह तो तरल पानी है, लेकिन शंकर की जटा की गंगा तो यह ज्ञान गंगा है। ये चार गंगा है तो चार गंगा में मुख्य गंगा माननीय कौन है, पूजनीय कौन है? आकाश की गंगा में सबसे जास्ती माननीय सब धर्मों में सब देशों में कौन है? एक ही भगवान सबसे जास्ती माननीय है, वो है निराकार स्टेज वाला, निरंजन निराकार कहा जाता है। वो सृष्टि पर आता है तो उसके मन के अंदर, सिर के अंदर वो ज्ञान घूमता रहता है। वो मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, इसलिए वो ही सबसे श्रेष्ठ गंगा है। वो गंगा जब नीचे की ओर आती है तो तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना होता जाता है। देवताओं में जो ज्ञान होता है वो तो सार रूप बन जाता है, वो आकाशीय स्टेज है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस, क्योंकि वो सदगति को पाए हुए हैं, उनको सार मिला हुआ है, सार निकालने की दरकार नहीं है। मनुष्यों का मन तो चंचल बन गया है, चंचल मनपालों को सार की जरूरत है। जो विस्तार में पाई हुई बुद्धि एक ठिकाने टिक सके, तो शंकर की जटाओं में गंगा समाने का मतलब कोई बालों में नहीं समा जाता है, लेकिन बाल बुद्धि से निकलते हैं, सिर से निकलते हैं, वो सिर के अंदर गंगा घुमड़ती रहती है, वो ही श्रेष्ठ गंगा का रूप है। एक ही श्रेष्ठ है, दूसरा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक ही एवर प्योर है, उसके मुकाबले कोई दूसरा एवर प्योर नहीं हो सकता। और ऐसे असली वैष्णोपुरी में हम आए हुए हैं बाबा, हमको तो जहाँ तक यह अनुमान निश्चय हो रहा है,
क्या अनुमान होना और निश्चय होना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। अनुमान से तो नुकसान हो जाएगा और निश्चय से विजय हो जाएगी। हाँ तो अनुमान क्यों कहते हो? हाँ क्या निश्चय हो गया है? निश्चय तो हमें यह हुआ है कि हम शरीर छोड़ने वाले थे, सत्य में बता रहा हूं साहब। शरीर में दम तो था नहीं, गांजा हम बहुत पीते थे, सच्चाई में बता रहा हूं। दिन भर में 25 चिलम 30 चिलम शंकर की बातों में आकर के साधु संतों की अंदर में। शंकर जी के तुम्हें कहां मिल गए? शंकर की मंदिर पर जाते थे, साधु संतों के बीच में बैठते थे, लेकिन हम अपना बात पेश करते थे तो वे लोग तिलमिला जाते थे। कुछ समझ में आया ये क्या कहना चाहते हैं? रामायण की कथा शुरू कर रहे अनुभव सुना के कुछ निकाला, तंत्र घर तेल निकला, दो चार आत्माएं निकाली कि नहीं अपने आप समान बनाने के लिए? कोई नहीं निकला साहब, हमें तो समझ नहीं आता है। निश्चय भी है फिर समझ में भी नहीं आता है। और जैसे बताते हैं कि इस दुनिया में जल ही जल था। हाँ जी, पहले जल ही जल था, फिर ये सृष्टि कैसे बनी रखी गई? जल नहीं था, ज्ञान जल था। ये प्रतीकात्मक भाषा है कवियों की, वो कवियों की भाषा में उन्होंने जल ही जल जलमयी हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा इस दुनिया में धंधे धोरी की सब बातें बंद हो जाएंगी, बस ज्ञान की ही ज्ञान की बातें सब लोग करेंगे। ज्ञान का धंधा दुनिया में फैलेगा। और जब सब मनुष्यों के अंदर एक ही भगवान का ज्ञान समा जाता है तो वो अपने अपने तरीके से निकलेगा या एक ही तरीके से निकलेगा? ईश्वरीय ज्ञान दुनिया के सब मनुष्यों के बीच प्रसारित तो हो जाएगा तो वो ज्ञान एक ही तरीके से निकलेगा या अलग अलग तरीके से निकलेगा? बुद्धियों में से अलग अलग तरीके से निकलेगा, वही ज्ञान की बाढ़ हो जाएगी। बाढ़ में जैसे सांप अंधे हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ में मिट्टी मिल जाती है, ऐसे ही ज्ञान के अंदर ये देह अभिमान की मिट्टी मिल जाएगी। उसको कहा गया है जलमयी, कुछ भी नहीं बचा, सब मुर्दे हो गए। फिर दिखाते हैं ज्ञान जल से पहले पहले मत्स्यावतार निकला। मत्स्य माने मछला,
घड़ियाल मत्स्य कोई दूसरी चीज नहीं है। भगवान बाप जब आते हैं तो पहले पहले कोई माता के तन में प्रवेश करते हैं, वो माता ही दुनिया के सभी बीजों को धारण करने वाली है। जो प्रलय काल में दिखाया गया है कि नाव में 108 बीजों को रखा गया और वो मत्स्यावतार ने उन बीजों को धारण कर लिया, उनसे सृष्टि की शुरुआत हुई। ऐसे नई सृष्टि तैयार होती है ज्ञान जल से। बलि राजा दानसुर था पट्टू ब्राह्मण ने उसको 3 पाउल जमीन मांगी थी। एक पाउल आकाश में दिया, एक पाउल पाताल में दिया और एक पाउल पृथ्वी पे रखते समय जगह कम पड़ी तो उसके सर पे रखा। इसका मतलब क्या होता है बाबू? उसके सर पे रखा का मतलब उसकी बुद्धि को भी जीत लिया, उसकी अकल को भी चलने का मौका नहीं दिया। मन जीते जगत जीत कहा जाता है, तो मन बुद्धि का ही सारा कमाल है। मन बुद्धि अगर नहीं जीती तो कुछ भी नहीं जीता। तो तीसरा पैर उसकी बुद्धि के ऊपर जमा दिया। हाँ जी, पाताल गंगा में साफ कुलिया नहीं है। साफ कुलिया नहीं, साफ कुलिया नहीं, पाताल गंगा में साफ कुलिया नहीं है। ऐसे सात गया नहीं पाताल गंगा में, तो कहते एक कुलिया में तो दर्शन कर जाओ, छह कुलिया में नहीं जाता है। क्या कह रहे हैं? जैसे गैल है नहीं, छह रास्ता है नहीं, जैसे है छह रास्ता है सात रास्ता है। हाँ। तो जैसे कहते एक रास्ता में तो जाओ, छह रास्ता में नहीं जाओ। एक रास्ते में जाओ, छह रास्ते में नहीं जाओ। बहुत रास्तों में जाओगे तो बुद्धि बिखर जाएगी ना। एक को पकड़ना अच्छा है कि अनेक रास्ते पकड़ने अच्छे हैं? बुद्धि भटकाते हैं, भटकाना अच्छा है या एकाग्र होना अच्छा है? है? इसलिए बोला एक रास्ते में जाओ। कड़वा हो गया। हाँ जी, दो भैया है थे हर दौर, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़े भैया ने मैंने जहर हर दौर को दिला दिया। दो भैया थे, भैया ने क्या किया? दो भैया हर दौर, एक दूसरा भैया एक छोटा भैया,
थर्डन मैंने उनको बड़े भैया ने पत्नी से छोटे भैया को जहर पीन दिला दिया। हाँ जहर पीन दिला दिया। तबीयत का अर्थ क्या हुआ है? अरे राम और कृष्ण दो भैया हैं, राम बड़ा है या छोटा भैया? राम और कृष्ण दो आत्माएं हैं, षष्ठी रूपी रंगमंच को धारण करने वाली दो आत्मा, आत्मा भाई भाई हो गए ना। और दोनों आत्माओं में विष कौन पी लेता है? है एक विष पी लेता है, एक विष को पिलाने वाला साबित हो जाता है। हाजी है कुंठा का अर्थ है कुंठित हो जाना, वै का मतलब भी माने विपरीत कुंठा, जिसमें कुंठा कभी नहीं होती हो, मन बुद्धि कुंठित ना होता हो, उसको कहते हैं वैकुंठ। सालिम बुद्धि बनी रहे। बाबा हाजी, जहाँ पवन की गम नहीं रवि शशि उदय न होए, जवन फूल आबला मांगे जवन फूल आवला मांगे ब्रह्मा रचे न कोई, इसका बेहद में हद हद में तो अर्थ बताओ पहले पहले इसका हद में अर्थ बताओ फिर बेहद में बताएं। हद में तो आदि शक्ति को बतलाया जाता है कि शंकर ब्रह्मा विष्णु को जन्म दी। आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म दिया, लास्ट में शंकर को जन्म दी है। लास्ट में लास्ट में शंकर को जन्म दिया है। पहले ब्रह्मा को जन्म दी और ब्रह्मा से बोली कि मुझसे शादी करो, और ब्रह्मा कहे कि माँ से कहीं पूछ। तुम शास्त्रों की बातें उठाओगे कि ज्ञान की भी कुछ बातें उठाओगे है? शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है, कोई तुकतान नहीं मिलती है। अभी तो बाबा आकर के ज्ञान दे रहा है। यही सूर्य चांद की तो उसमें लिखा हुआ है बाबा, यही सूर्य चांद जो सर्वशक्तिमान जो आए हुए हैं इस परम आत्मा परम पिता परम धाम से, इन्हीं के बारे में तो वो लिखा जा रहा है कि जहाँ पवन की गम नहीं रवि शशि उदय न हो। यह सूर्य चांद जो जलता हुआ उगते हैं ये तो हमेशा उगते रहते हैं, लेकिन यह तो सूर्य कभी कभी न आते हैं। क्या पूछ रहे हो फिर? कड़वा हो गया ले जाओ। बाबा भक्ति मार्ग की एक बात है, हमने सुना भक्ति मार्ग पांडव पुत्र केदार के दर्शन करने गया माँ के लिए, उसने गलती करने से दर्शन नहीं दिए, भैंस का ढाल हो गया, भैंस का केदार 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 में गए तो क्या हुआ? केदारनाथ लिंगा के लिंगा दर्शन नहीं किए तो भैंस के डाल होंगे। ऐसा क्या है? केदारनाथ में दर्शन करने गए तो वहाँ क्या हुआ? पांडव दर्शन करने गए, पांडव क्या गलती करा हमको मालूम नहीं।
पांच पांडव ने दर्शन नहीं दिए अरे कहाँ कहाँ से ये शास्त्रों की बातें निकाल निकाल करके है। हाँ भक्ति मार्ग की बातों में सब में सच्चाई नहीं है। बाबा है गायत्री और गीता दो बहन है, जीके में चलते हैं। गायत्री गायत्री और गीता। हाँ तो गीता बहन तीन पाँच सूत्र हम जीके में चल रहे थे, कहीं एक महीना रहते तो गए एक दिन तो वहाँ को ताला लगा दिया कि तुमको नहीं जाना। तो ठीक है कितना है करके हम बहाना करके ही तुमको रहना है, कहीं दीदी आएंगे रहेंगे अभी जाए तो कब आओगे मुझे आएंगे जनवरी बाद झूठ बोल के आया तो बाबा झूठ तो नहीं आया झूठ बोल के घर से निकले तो झूठ न कहें कि आएंगे दीदी। हाँ तो युक्ति तो निकाली जाती है छुटकारा पाने के लिए, अच्छी बात है। कोई ने पूछा हाँ अभी जो दो भाइयों की बात बताई थी, एक खिलाने वाला भी तो एक पीने वाला। हाँ ये तो माता ने उल्टा करके पूछा प्रश्न, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। बड़ा भाई आत्मा है वो जिसे अपनी आत्मा का पहले परिचय मिल जाए, अपने आत्मा के स्वरूप की जानकारी हो जाए वो बड़ा भाई माने राम वाली आत्मा। और कृष्ण वाला है वाली आत्मा है छोटा भाई। इसका मतलब है कौन पिलाता है कौन पिलाता? विष पीने वाली जो आत्मा है वो शिव बाबा को दिखाया गया है। वास्तव में शिव बाबा जो है वो राम वाली आत्मा के द्वारा विष पीने वाला नहीं है, वो तो अमृत पिलाने वाला और अमृत ही पीने वाला है। ये बलराम को दिखाया जाता है सर्पों वाला, सर्प भिखारियों को कहा जाता है। तो सात नारायण ही सात सर्प हैं जो सात सात विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए कृष्ण वाली आत्मा ही विष धारण करने वाली है। और शिवो हम कह के बैठ जाती है बुद्धि में, असली बात बैठती नहीं है। जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अपने को ही भगवान कहने लग पड़ता है। विष असर कर जाता है, शंकर जी तो कोई असर नहीं करता। विष पिए और असर न करे इसका मतलब उसमें सच्चाई का अंश ज्यादा है या झूठे का अंश ज्यादा है? सच्चा और झूठा अगर झगड़ जाए तो विजय किसकी होगी? है सच्चे की विजय होगी। और हाँ के लिए मुरली आठ तीन बहत्तर की वो मिली नहीं, तो रचना के सुख के लिए बताएं बाबा जी क्या करना है। मुरली सुनते नहीं है वो, कैसे लगा देते हैं तो भगवान जी पूजा पूजा पाठ नहीं रहते, वो शंकर जी की मूर्ति लगा लेते हैं घर वाले। रचना का सुख बाद में होगा कि पहले रचयिता का सुख होगा? पहले किसका सुख होगा? रचयिता पहले सुखी हो जाए
तो रचयिता जब सुखी होगा तो उसके आधार पर रचना स्वतः ही सुखी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने निश्चिंत रहने के लिए वरदान दे दिया है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, निश्चिंत हो जाओ। प्रजापिता वाली आत्मा तमो प्रधानता का पाठ बजाती है तो उनको बकरे का सिर लगाया जाता है। ये किस समय की बात है? अरे 5000 वर्ष का ड्रामा है। मैं ही सब कुछ हूँ। ये तमो प्रधान युग की बात है या सतो प्रधान युग की बात है? तमो प्रधानता की बात है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शूटिंग का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ जब तमो प्रधानता की शूटिंग होगी तो अंत समय में राम वाली आत्मा भी से वो हम, मैं ही भगवान हूँ। इस रूप में आ जाती है तो उसको बकरे का मुख दिखाया गया है। ऐसी दुनिया की कोई आत्मा नहीं जो 4 अवस्थाओं से पसार न होती हो। राम वाली आत्मा भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। हाँ, कोई धीरे धीरे नीचे गिरता है और कोई तेजी से नीचे गिरता है। जैसे इस्लाम धर्म की आत्माएं तेजी से नीचे गिरती है और सूर्यवंश की आत्माएं धीरे धीरे नीचे गिरती है, परंतु अंतिम जन्म में तो साफ जाकर के नीचे गिर जाते हैं। और सूर्यवंशी आत्माएं ज्यादा ही नीचे गिरती हैं। उन सूर्यवंशियों के बीच में जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो सबसे ज्यादा नीचे गिरती है। इसलिए राम को ही रावण का पाठ बजाना पड़ता है। और पूछा है योगिनी माता का कौन सा पार्ट है? रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उन 108 मणकों में पहला नंबर का पार्ट है प्रजापिता, पहला अष्टदेव, और दूसरे नंबर का अष्टदेव है योगिनी। शास्त्रों में उसका नाम कुबेर दिया है। कोई आत्मा की अकाल मृत्यु हुई तो उसके लिए क्या करना चाहिए? योगदान देना चाहिए ताकि उसको शांति मिले, एकाग्रता मिले और जल्दी से उस प्रीति योनि से सूक्ष्म शरीर से छुटकारा मिल जाए। भक्ति मार्ग में उसकी यादगार में जब कोई मरता है तो कई दिन तक दीवा जलाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, किसी का काले मौत होती है, सूक्ष्म शरीरधारी बनता है तो उनकी आत्मा को जल्दी से शांति मिल जाए, फाउंडेशन पीरियड में ही शांत हो जाए। इसके लिए संगठित रूप में थोड़ा समय
या जितना भी समय मिले बाबा की याद में बैठ करके उस आत्मा को सच लाइट देना। राम वाली आत्मा त्रेता में सीता बनती है, और सीता राम बनती है, तो जरूर वहां जाकर के राजा तो अनेक रानियां रखेंगे ही। अरे त्रेता में ऐसे थोड़े ही होता है कि वहां अनेक रानियां होती हैं। ये अनेक रानियों वाली बात द्वापर युग से शुरू होती है। बाबा राम वाली आत्मा हर समय याद में रहती है तो फिर तमोप्रधान कैसे बनती है? अगर हर समय याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था नहीं हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं? तो याद में हर समय रहती है या राम वाली आत्मा को भी माया इंटरफियर करती है? है? करती है या नहीं करती है? छोटे पुरुषार्थी को माया छोटा इंटरफियर करेगी और बड़े पुरुषार्थी को बड़ा इंटरफियर करेगी। है? जो बड़ा पुरुषार्थी होगा, ऊंचा पुरुषार्थी होगा, महारथी होगा, तो माया भी महारथी बनकर के पीछे पड़ती है। जो प्यादे के समान पुरुषार्थ करने वाले होते हैं उनके लिए माया भी छोटा रूप धारण करके रहती है, बड़े रूप में नहीं आती। समझती है तो ऐसे ही हम पढ़ लेंगे। राम नाम सब कोई कहे दशरथ करे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। ये भक्ति मार्ग का फिकरा है या ज्ञान मार्ग का? भक्ति मार्ग में फालतू भूसे की बातें भरी हुई है जिसका कोई अर्थ नहीं है। राम तो सबको इसलिए कहते हैं कि वो सब में रमण करता है। एक भी मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर नहीं बचती जिसकी बुद्धि में राम रमण न करता हो। इसलिए राम को तो सारी दुनिया याद करती है। याद करने की बात है, राम राम रटने की बात नहीं है। राम राम रटा जाता है भक्ति मार्ग में, और ज्ञान मार्ग में क्या किया जाता है?
याद किया जाता है। दस रथ कौन है? झाड़ के चित्र में नीचे जो दस जड़ें हैं वो ही दस रथ हैं। रथ माने शरीर रूपी रथ। जिन दस रथों में दस धर्म पिताएं आकर के प्रवेश करते हैं वो ही कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। इसलिए तमो प्रधान को कौन याद करेगा? रावण को कोई याद करता है क्या? रावण को दस सिर हैं, तो जरूर दस प्रकार का देहाभिमान भी होगा। परंतु सरों का संगठन दिखाया गया है, देह दस प्रकार की नहीं दिखाई गई है। हाँ, 20 भुजाएं जरूर दिखाते हैं, क्योंकि जैसी जैसी बुद्धि वाला राजा होता है वैसे ही वैसे उसके सहयोगी रूपी भुजाएं होती हैं। एक जैसी सहयोगी भुजाएं सच्चाई सफाई वाली सबकी नहीं हो सकती। सच्चे को सच्चा मिलता है, झूठे को झूठा मिलता है। दूध में दूध जाके मिलता है, पानी में पानी मिलता है। नारायण बनने वाली आत्मा होगी तो उसको साफ सच्चे ही सच्चे मिलेंगे। एक भी झूठा नहीं मिलेगा। तब तो सोने जैसी राजधानी स्थापन हो पाती है। दूसरों को जो दुख देते हैं उनकी क्या शूटिंग होती है? यहाँ जो देंगे संगम युग में थोड़ा समय, वहां ड्रामा के 5000 वर्ष में लंबे समय तक लेते रहेंगे। यहाँ के थोड़े समय की शूटिंग वहां की लंबे समय की शूटिंग हो जाएगी, माने ब्रॉड ड्रामा बन जाएगा। यहाँ प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, स्नेह देंगे तो जन्म जन्मांतर स्नेह मिलेगा, दूसरों को सहयोग देंगे तो जन्म जन्मांतर सहयोग मिलेगा। यहाँ दुख देंगे तो अंत मते सो दुखी होकर मरेंगे। अंत मते जो दुखी होकर मरेंगे संगम युग के लास्ट टाइम में, तो जन्म जन्मांतर दुखी ही होते रहेंगे। ये शूटिंग हो जाती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में जो माला दिखाई है उसमें 8 फूल हैं, और लक्ष्मी के गले में जो माला दिखाई है उसमें 6 फूल दिखाए हैं। उसका अर्थ क्या है? नारायण वाली जो आत्मा है वो तो जगत पिता वाली आत्मा है। सारे जगत से जो चुने हुए अच्छे अच्छे फूल हैं हर धर्म के, नास्तिक धर्म को छोड़ करके, उनको धारण करता है। और लक्ष्मी वाली आत्मा
कि गले में 6 फूल दिखाए हैं, माना जो नास्तिक धर्म है और जो और धर्मों से प्रभावित होने वाला अर्थात सभी विधर्मियों से प्रभावित होने वाला आर्य समाज है, वो नहीं दिखाया है, तो ये 2 कम हो जाते हैं। माने लक्ष्मी में नास्तिकता नाम मात्र को भी नहीं है, नारायण वाली आत्मा अंतिम जन्म में पूरी नास्तिक बनती है। जो मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है, नास्तिक अर्थात किसी के ऊपर आस्था नहीं, दुनिया का कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके ऊपर उसे आस्था हो। तो किसी व्यक्ति की मात मानने वाला नहीं है, बाबा ने मुरली बोला है साक्षात्कार की चाबी मेरे पास रहती है, वो चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ। तो क्या भक्ति मार्ग में सूरदास तुलसीदास मीराबाई को साक्षात्कार हुए तो साक्षात्कार बाप ने करवाए? भक्ति मार्ग में बाप होता है? है? होता ही नहीं। और परमधाम में जो भी आत्माएं होती हैं वो जड़वत होती हैं या बोलती चालती चैतन्य होती हैं? जड़वत होती हैं, तो बाकी कोई बात ही नहीं। ये तो संगम युग की बात है और संगम युग में जैसा ड्रामा शूट हो जाता है वैसा ऑटोमेटिक ब्रॉड ड्रामा में चलता रहता है। पार्वती की पुत्री कौशिकी को दिखाते हैं, वो कौशिकी का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में कहां चल रहा है? कौशिकी को काला दिखाते हैं या गोरा दिखाते हैं? है? काला दिखाते हैं। पार्वती तो गोरी माई है, वो काली है। गोरी माता से काली पुत्री का जन्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? पार्वती को भी कभी अनिश्चय आया तो राम की परीक्षा लेने गई, परीक्षा में पार्वती फेल हुई या पास हुई? तो कालापन आ गया दिल के अंदर। इन बच्चों की जैसे मुरली में बोला है कि 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, ऐसी स्टेज जैसे जिन बच्चों की बन रही है उनको बाबा वो कौन सी लिस्ट में जाए? वो अव्वल नंबर लिस्ट में आएंगे।
8 की लिस्ट में आएंगे। जो शिव बाबा की कसम खाते हैं उनकी क्या शूटिंग होगी? जो शिव बाबा की कसम खाते हैं उनको पता है कि शिव बाबा कभी मरता है? है? उनको मालूम है शिव बाबा सदा कायम है या मरने वाला है? है? वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम है, न मालूम होने के कारण वो शिव बाबा की कसम खाते हैं, ये भी झूठी कसम हो गई। नारद का पार्ट किसका है? नार कहते हैं ज्ञान जल को और द कहते हैं देने वाला। जो दूसरों को ज्ञान जल देता है, जहां जाता है वहां ज्ञान जल देता रहता है, परंतु खुद भटकता रहता है भक्ति मार्ग में। कभी कृष्ण के पास गौलोक में, कभी ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में, कभी शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, कभी विष्णु के पास क्षीर सागर में, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में, बुद्धि को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। उनका नाम दिया है नारद। दूसरों को नार माने ज्ञान जल देते हैं, परंतु खुद धारण नहीं कर पाते। इसलिए किसी असुर ने उनको शीशा दिखाया कि अपना मुख तो देखो, तुम कौन हो? मंदिर लायक देवता हो या वास्तव में बंदर हो? तो उन्हें अपनी असलियत का ज्ञान हो गया। वास्तव में ये 7 और 8 नारायण जो सतयुग से लेकर के सतयुग अंत तक 7 नारायणों का पद धारण करते हैं, वो सब नारायण का पार्ट, नारद का पार्ट बजाने वाले हैं। तो नंबर बात, कोई अव्वल नंबर भी है, कोई लास्ट नंबर भी है।